हाय एवरीवन, कैसे हम सब। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर थंबनेल कैसे ऐड कर सकते हो। ये पहले क्या होता था कि काफ़ी लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब सभी लोगों को पता है। लेकिन कुछ मेरे भाई ऐसे भी है जो अभी नया चैनल क्रिएट किया, पता नहीं कि हम अपनी वीडियो के अंदर थंबनेल कैसे लगाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हो तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेना है। अपने चैनल को लॉग इन करना और कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंटेंट पर क्लिक करना है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देख लीजिए एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फिर से आपको एक पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर नीचे देख सकते हो चेंज, तो यहाँ पर आपको फोटो पर क्लिक करना है। फोटो पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर एक थंबनेल बनाई थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप नोजे जैसी थंबनेल कैसे बना सकते हो, इसलिए मैंने ये थंबनेल यहाँ पर आपको दिखाई है। तो यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो वीडियो की थंबनेल है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। अब जैसे यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपकी जो थंबनेल है वीडियो के अंदर वो यहाँ पर लग जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगा कि आप अपनी वीडियो के अंदर थंबनेल कैसे लगा सकते हो। इसके लिए आपको अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन में आ जाना है। यूट्यूब एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको अपने चैनल को लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको योर वीडियो पर क्लिक करना है। योर वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई एक वीडियो सेलेक्ट करना है। वीडियो फेसबुक शॉर्ट वीडियो, यहाँ पर आपको कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आप देखते हो तीन डॉट दिखाई देंगे वीडियो के पास में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो एक प्लस का आइकन दिख रहा है जहाँ पर इमेज का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चेंज पर क्लिक करना है। चेंज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी थंबनेल ऐड करना चाहते हो उस थंबनेल को यहाँ पर सेलेक्ट करके डन कर देना है और यहाँ पर आपको सेव कर देना है, जिसे आप अपनी वीडियो की थंबनेल यहाँ पर चेंज कर सकते हो या बदल सकते हो, या हम बोल सकते हैं कि हम अपनी वीडियो के अंदर थंबनेल कैसे लगाएं। तो अब यहाँ पर आप दो तरीके से YouTube के द्वारा और यहाँ पर YT स्टूडियो के द्वारा आप अपनी वीडियो के अंदर थंबनेल ऐड कर सकते हो। यही थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।